क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया सिंह आज आपके साथ मेथड्स ऑफ सेपरेशन का एक सेपरेट वीडियो लेकर आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में जैसे कि क्वेश्चंस हमारे बार बार आ जाते हैं, विनोइंग क्या होता है, थ्रेशिंग क्या होता है, तो हम अक्सर क्या हो जाता है, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कम्प्लीट देखेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और उसके नीचे बगल में जो है बेल आइकन होगा उसको ज़रूर क्लिक कर लें, ठीक है। और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और अभी इससे पहले मैंने EVS के जो नए पैटर्न्स पे जो कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके ऊपर फेस्टिवल पेंटिंग साड़ीज और फोटोसिंथेसिस और साथ में जो वाटर साइकिल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जैसे कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, इनके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो शॉर्ट है तो आप उसको जाकर सबसे पहले देख लें ताकि आपके कोई भी मार्क्स मिस ना हो, ठीक है। तो आज हम यहाँ सेपरेशन का बिल्कुल अच्छे से समझेंगे ताकि आपको अब बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मेथड्स ऑफ सेपरेशन का मतलब ये है कि आपके NCERT में भी कुछ टर्म्स हैं तो, लेकिन ये उतना जो है डिटेल में नहीं है। बट सेपरेशन अगर मैं कहूँ तो किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को जब हम अलग करते हैं तो वही क्या है, आपका सेपरेशन है। अब ये प्रक्रिया हर वस्तु के लिए अलग अलग हो सकती है। अब ये ज़रूरी तो है नहीं कि आप चाय पत्ती को जिससे अलग करें, आप आटे को भी उसी से अलग करें। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग सेपरेटिंग जो है आपका प्रोसेस होता है। तो यहाँ जो सबसे पहला हैंड पिकिंग, हैंड आपको नाम से ही समझ जाना है हाथ, और पिक का मतलब क्या, तो जो हम चुनते हैं। तो जैसे जब हम चावल जो है वो बीनते हैं तो ये वही प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ये आपकी एक थाली है मान लीजिए, और इसमें क्या है, एक साइड ग्रेन्स है। अब आपको ग्रेन को उस साइड करना, और साथ में उसमें जो एकाक ईंटे, कंकड़, स्टोन्स छोटे छोटे आ जाते हैं, आपको उनको क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, और सही वाला ग्रेन्स आप इस साइड कर देते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है हैंड पिकिंग की, हाथ से जिसको हम कहते हैं कि बीनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर थ्रेशिंग। जो मोस्ट कन्फ्यूजन है बच्चों को वो थ्रेशिंग और विनोइंग में है। आप इसको एकदम अच्छे से समझिए, ठीक है, ध्यान देकर। थ्रेशिंग अगर हम कहते हैं तो ये सेपरेशन होता है। सेपरेशन तो विनोइंग में भी होता है अब, लेकिन इसमें जो सेपरेशन होता है ना वो आफ्टर हार्वेस्टिंग होता है। अब आप एज्यूम करिए, अगर आप गाँव पर कभी भी गए हैं या खेती किए हैं या संबंधित हैं कृषि से, तो आपको पता होगा कि जब हमारी क्रॉप्स क्या होती हैं, पक जाती हैं, मतलब क्रॉप्स जब कंप्लीट हो जाती हैं तो हम उनको काटेंगे, काटने के बाद ले आते हैं। तो जस्ट काटने के बाद की जो प्रक्रिया है वो थ्रेशिंग है, थ्रेश करना, ठीक है। तो थ्रेशिंग जो है ये सेपरेट करते हैं, और ये आफ्टर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया है, इसको याद रखिए। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग की कौन है, थ्रेशिंग। तो आप देखिए यहाँ आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे थ्रेशिंग है टी और एच, एच से आप हार्वेस्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, थ्रेशिंग आफ्टर हार्वेस्ट। तो यहाँ आपको थोड़ी मदद मिलेगी समझने में। अब देखिए तो क्या हार्वेस्ट करके हम लाते हैं, ग्रेन्स और स्टॉक्स। ग्रेन्स और स्टॉक्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका ये एक, मान लीजिए धान का ही खेत है, या फिर मान लीजिए आपका गेहूं का ही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से इसमें होता है जो बना रहता है, इसी प्रकार से आपके बहुत सारे रहते हैं ना जिसमें ग्रेन्स भी रहते हैं और उसके स्टॉक्स भी, जिसको हम पोयरा कहते हैं, अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें हमारी तरफ उसको पोयरा कहते हैं, तो वो सब साथ में होते हैं। तो जब आप काट के लाए हैं तो ये तो इतना ही है, तो अब आपको ऐसे तो आप करेंगे नहीं, पहले आपको ये पोयरा अलग करना होगा और उससे ग्रेन्स को अलग करना होगा। यही प्रक्रिया आपकी थ्रेशिंग कहलाती है। हार्वेस्ट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, और साथ में कई कई जगह अब तो थ्रेशिंग मशीन्स भी आ गई हैं, थ्रेशर्स की मदद से भी करते हैं। अदरवाइज पहले के समय में इसको पीट पीट कर किया जाता था, कि जो पूरा उसका बंडल है उसको लेकर पीटते थे और पीट कर थ्रेश्ड करते थे, ठीक है, टू सेपरेट द ग्रेन्स, ताकि ग्रेन्स उससे क्या हो जाएं, अलग हो जाएं। और फिर उसके बाद आपका वो जो स्टॉक है, जो पोयरा है, वो एक तरफ हो जाता है और जो आपकी ग्रेन्स है वो एक तरफ हो जाती हैं, ठीक है। तो थ्रेशिंग समझ में आया, टी एच आप याद रखिए। थ्रेशिंग का मतलब जैसे ही आपने क्रॉप को काटा, अपनी फसल को काटा, उसके बाद की ये प्रक्रिया है, हार्वेस्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं ग्रेन्स को और स्टॉक्स को, कि हमारे पास ये पूरा ये पौधा है, आप इसी से याद रखिए कि पूरा के पूरा पौधा है, अब इसमें से मैं ग्रेन्स को अलग कर दूंगी और पोयरा या फिर जो स्टॉक है उसको अलग कर दूंगी, इसी प्रक्रिया को हम थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक। अब थ्रेशिंग समझ में आया तो अब हम आएंगे अपने विनोइंग पर। विनोइंग को देखिए, विनोइंग की जब हम बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहते हैं फटकना। क्या कहते हैं, फटकना। जैसे आपने सुना होगा कि मम्मी लोग हैं चावल फटक रही हैं या सरसों बना रही हैं, फटक रही हैं, वही चीज। तो फटकने का क्या मतलब होता है कि जो उसमें से, अब फटकना जब है तो आप हाइट याद रखिए,
जैसे विनोइंग है, तो विनोइंग से आप थोड़ा कोरिलेट करिए विंडो को। विंडो मतलब खिड़की। खिड़की से हम क्या करते हैं, खिड़की हमेशा लगी होती है तो थोड़ी हाइट से लगी होती है ना, ऐसा। तो जैसे डोर है तो डोर आपका जस्ट एकदम नीचे तक होगा, बट खिड़की कभी नीचे तो होती नहीं, खिड़की हमेशा हाइट से लगती है। तो आप इसी से विनोइंग से याद रखेंगे हाइट। विनोइंग से आपको क्या याद रखना है, हाइट याद रखना है, ठीक है। तो जो विनोइंग है जो हाइट से होगा, हाइट से इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो पार्टिकल्स होंगे, एक लाइट, तो खिड़की से लाइट भी तो आती है, तो लाइट, और दूसरा सब्सटेंस है हैवियर, तो एक ठे भारी होगा और एक ठो क्या होगा आपका हैवियर होगा। तो इस केस में क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कोई सूप, जानते हैं अगर नहीं जानते तो सूप जो है जिससे हम फटकते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं उसको चलाते हैं, चलाते हुए उससे फटकते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भारी वाला सब्सटेंस है, जो ग्रेन्स वाला पार्ट है, वो मेरे सूप में रह जाता है, और जो लाइटर सब्सटेंस है, जो हल्के लोग हैं, वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। वही प्रक्रिया जब हम बड़े स्केल पर करते हैं, क्योंकि हम घर में छोटे मोटे करते हैं, जब वही प्रक्रिया आपकी पूरे के पूरे खेत क्रॉप्स के लिए होगा, तो वही विनोइंग के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि अगर जो देखा है, तो यहाँ देखिए मैंने भी बनाया है, कभी कभी यहां पे ना पंखा लगा दिया था, जो फैन होता है, फैन लगा दिया जाएगा और उसके सामने से क्रॉप को ऐसे से गिराया जाता है, तो जो लाइटर सब्सटेंस है वो उधर की तरफ उड़ जाती है, जो हैवियर सब्सटेंस है वो नीचे की तरफ गिर जाती है, ठीक। तो आपको याद रखना है विनोइंग दैट मींस हाइट से रिलेटेड है। इसमें दो सब्सटेंस होंगे, एक लाइटर होगा और एक आपका हैवियर होगा। लाइटर सब्सटेंस को हमको अलग करना है और हैवियर सब्सटेंस को लेना है। तो जो लाइटर सब्सटेंस है वो क्या है, हस्क, जिसको हम भूसी भी कह देते हैं, ठीक है। तो हस्क यहां से अलग हो जाएगा, ग्रेन्स आपके पास बच जाएगा, और ये सीड से क्यों, क्योंकि इसमें हस्क भी है और आपका ग्रेन्स भी है, ठीक है। तो ये विनोइंग का मेन आपका ये दोनों है, थ्रेशिंग और विनोइंग। बट इसके बाद भी क्वेश्चंस आजकल आ जाते हैं, ठीक, और प्रोबेबिलिटी भी है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पेपर बन रहा है तो आप चीजों को अपने आप तरफ से आप पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होकर जाएं, ठीक है। तो थ्रेशिंग और विनोइंग में आई होप कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं रह गया है, एक बार आप और रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम जो है चल रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि आप फिर दोबारा से इसको जो है करेंगे। तो थ्रेशिंग जब भी आए तो हमेशा याद रखिए TH, थ्रेशिंग और हार्वेस्ट के तुरंत बाद। तो जब हार्वेस्ट के तुरंत बाद करेंगे तो मेरे पास तो पूरा पेड़ होगा, है होगा कि नहीं, जब पूरा पौधा होगा तो मुझे पहले उससे ग्रेन्स अलग करना होगा, दैट मीन्स कि स्टॉक जो पोयरा होगा उससे ग्रेन्स को अलग करेंगे, यही प्रक्रिया क्या है थ्रेशिंग की। जब विनोइंग है तो विनोइंग थ्रेशिंग के बाद की प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया थ्रेशिंग है, उसके बाद की प्रक्रिया विनोइंग है। तो विनोइंग से हमने क्या समझा, विंडो, विंडो क्या होगा, हाइट पे होगा, तो ये क्या है, हाइट से हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, गिराते हैं नीचे। तो वहाँ दो प्रकार के सब्सटेंस होंगे, एक लाइटर एक हैवियर। लाइटर को आप क्या करेंगे, तुरंत वो दूर चला जाएगा हवा की वजह से, और हैवियर वाला आपका जमीन पे आ जाएगा। इस प्रक्रिया के द्वारा हम ग्रेन्स को अपने ले लेते हैं, ठीक। तो आई होप कि ये दोनों आपको क्लियर हो। अब इसके बाद एक आता है सीविंग। सीविंग जिसको हम कहते हैं चालना, डे टू डे लाइफ में हम आटा चालते हैं, उसके अलावा जो सैंड्स, जो घर बनता है, जो बालू है, उस बालू को भी आप देखेंगे एक पतला सा वो लगाए रहते हैं जिसके फेंकते हैं, तो बालू में जो कंकड़ और थोड़े मोटे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और उनका सीव किया हुआ पार्ट उस साइड हो जाता है। तो डे टू डे एक्टिविटी में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ज़रूरत है सिर्फ ऑब्जर्व करने की। नेक्स्ट टाइम अगर आपने नहीं देखा है, आप कहीं भी जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर गौर करें, तो आपको समझ में आएगा। स्ट्रेनिंग, स्ट्रेनिंग भी पूछ सकते हैं, तो हमेशा याद रखिए स्ट्रेन मतलब छानना होता है, ठीक, जैसे हम चाय छानते हैं, ठीक। और आप जल्दी से बताइए कि स्ट्रेन आपके EVS के ही उसमें है कि कौन सा क्लॉथ है जिससे हम स्ट्रेनिंग करते हैं, ठीक। अगर लर्नर्स आप इस चीज़ को रिकॉल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैं नए लर्नर्स हैं जिनको नहीं रिकॉल हो पाएगा। तो देखिए स्ट्रेनिंग मसलिन क्लॉथ है जो कि एट्रियापुरम में है, मसलिन क्लॉथ, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा भी होगा अपने EVS में, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ जान लीजिए, मसलिन जो क्लॉथ है वो क्लॉथ है, ठीक है। स्ट्रेनिंग छानने का काम हम जैसे चाय पत्ती से करते हैं, तो चाय पत्ती आप इसमें टी याद रखिए, ट्री का काम होता है स्ट्रेनिंग का। चर्नर, चर्नर से क्या होता है, चर्न करते हैं हम बटर, बटर चर्न करने का मतलब जो मक्खन निकालते हैं ना, तो मम्मी लोग वो पहले के समय में ये जिससे करती थी, मथनी जिसको कहते हैं हिंदी में, वो चीज़, या तो फिर इसको हम जो है अब इंग्लिश में जो भी उसको बोलें, तो वो चर्नर की मदद से क्या है, जिसके द्वारा हम बटर निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, उस पूरे प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो ये कुछ जो है आपके प्रोसेस हैं जो कि आपके पेपर में बार बार रिपीटेड टाइम आते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो अच्छी लग रही है, सीटेट से जुड़ी हर अपडेट से आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहें और राजर्षि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।